नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल के एक और नई वीडियो में, जिसमें कि आज हम बात करने वाले हैं रॉयल एनफील्ड स्टैंडर्ड 350 BS6 के बारे में। छोटा सा रिव्यू, वॉक अराउंड, और मैं आपको मेरे थॉट्स बताऊंगा बाइक के बारे में कि मुझे चला के कैसी लगी, क्या इसमें प्रॉब्लम है, क्या इसकी अच्छाई है, उनकी सब बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं इसके वॉक अराउंड और रिव्यू से। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। तो अब रॉयल एनफील्ड BS6 आ चुकी है, जिसमें कि अब EFI इंजन आता है। हमारा इंजन आता है, वो आता है 346 CC का इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 19.36 PS की पावर और 28 Nm का टॉर्क। इस पूरी बाइक का वेट है 186 kg, जो कि सिंगल चैनल ABS के साथ आती है। हमारे आगे आते हैं डिस्क ब्रेक, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें आते हैं हमारे डिस्क ब्रेक विद ABS, और पीछे मिलते हैं हमारे को इसमें ड्रम ब्रेक्स। तो शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट से। तो इसमें हेलोजन लाइट्स मिलती हैं आपको, पहले की तरह बिल्कुल स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखा है रॉयल एनफील्ड ने। साइड में ये इंडिकेटर्स मिलते हैं विद क्रोम फिनिश के साथ। जिन बंदों को क्रोम अच्छा लगता है, उनको काफ़ी पसंद आएगा क्रोम ट्रीटमेंट। जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरा क्रोम फिनिश के साथ मिलता है। स्पोक व्हील्स मिलते हैं रॉयल एनफील्ड स्टैंडर्ड 350 में, कंपनी फिटेड स्टॉक स्टार्ट है ये, सेल्फ स्टार्ट नहीं है। क्योंकि अगर जो आपने स्टैंडर्ड लिया और आप उसे सेल्फ से लेने चाहते हैं, तो उसका मज़ा नहीं आता। बुलेट्स का, यानी कि रॉयल एनफील्ड जो होती है, उनको किक से स्टार्ट करने में मज़ा आता है। हाँ, प्रॉब्लम होती है, कुछ बहुत प्रॉब्लम होती है स्टार्ट करने में। जैसे कि अभी वॉश करते हैं आप, तो बाइक कूल हो जाती है, तो उसको स्टार्ट करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। अभी सुबह मेरे साथ भी प्रॉब्लम आई है, तो प्लीज़ रॉयल एनफील्ड इसे बात को ठीक करें, पता नहीं क्या दिक्कत आ जाती है इसमें। इसमें आपको मिलता है EFI इंजन, EFI 350। तो यहाँ पर मिलती है आपको रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग, रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग। इधर भी आपको रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग मिलती है। ये आपको एक छोटा सा कवर, ये वाला, यहाँ पे भी एक रॉयल एनफील्ड की बैटरी। इसमें आपके फ्यूज व्यूज होते हैं, फ्यूज बॉक्स है। इसमें आपको इतना स्पेस भी मिलता है कि आप कोई जगह सामान रख सकते हैं अपना। ये हमारा एयर वेंट है, बाइक के अंदर जो एयर वेंट आता है। फिर इसके पीछे की बात करते हैं, तो पीछे इसमें ये टेल लाइट है, ये भी हेलोजन है, ये इंडिकेटर, आगे का टायर, ये मिलता है आपको साइलेंसर कंपनी की तरफ से, जो कि कोई भी नॉइस क्रिएट नहीं करता है। और बात करते हैं, तो मैं पहले आपको इसका सुनाता हूँ एग्जॉस्ट का नोट, फिर आपसे और बात करते हैं। तो जब स्टिल खड़ी रहती है, तो कुछ ऐसी इतनी आवाज करती है भाई। अब इसे एक्सलेट करते हैं। तो जैसा कि आपने इसकी वॉइस सुनी, तो अब बात करते हैं इसके मीटर की। तो ये आपको एनालॉग मिलते हैं, पूरा ओल्ड स्कूल टाइप। यहाँ पे आपको गियर इंडिकेटर मिलता है, यहाँ पे आपको मिलता है इसका ABS का वो, यहाँ पे इसका पेट्रोल, यानी कि जब भी आपका पेट्रोल कम होता है, तो ये गियर शिफ्ट करने पे आपको एक बार ब्लिंक करता है, तो आपको पता चल जाती है। और ये इसका इंजन इंडिकेटर है, ये चाबी मिलती है, यहाँ पे चाबी का वो मिलता है स्विच ऑन ऑफ करने के लिए। और आपको अगर जो स्टेयरिंग आपका लॉक करना है, तो स्टेयरिंग आपको यहाँ से लॉक करना पड़ेगा, स्टेयरिंग यहाँ से लॉक करना पड़ेगा। अब इसमें BS6 में अब ये वो भी दे दिया गया है, ये मुझे अभी पता नहीं है वैसे से क्या ये कहते हैं, काम पर आता ये है जो मिल कि हमारे कार्बन पार्ट्स
कार्बन निकलता है, यानी कि जब बाइक चलती है हमारी तो पोल्यूशन जो क्रिएट होता है उसे काफ़ी हद तक कम कर देता है ये। इसका वो लग रहा है यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं। मैं आपको पहले इसके अंदर ये खोल के दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या मिलता है। तो इसमें यहाँ पे एक की लगती है, यहाँ पे आपको इसका एयर फिल्टर या क्या कह सकते हैं ये नॉन पोल्यूशन व्हीकल, ये एयर फिल्टर मिलता है आपको यहाँ पे इसका। यहाँ से लॉक हो गया। फिर इसकी इधर साइड की बात करते हैं तो इधर साइड इसका मिलता, इधर साइड मिल देखते हैं तो इधर साइड मिलते हैं इसके सारे फ्यूज़, इंडिकेटर के और हर चीज़ के ये सारे फ्यूज़ मिलते हैं, लाइटिंग वाइटिंग के। और ये यहाँ पे आप पेपर, छोटी मोटी जगह है पेपर रखने की, आप यहाँ पे पेपर रख सकते हैं। इसमें 5 चैनल का इसमें गियर बॉक्स मिलता है, यानी कि पहला नीचे, फिर न्यूट्रल, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये यहाँ पे लेग गार्ड मिलता है, काफ़ी मजबूत है, यानी कि कंपनी जितनी भी सारी होती हैं अच्छा खासा लेग गार्ड देती हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है लेग गार्ड। बहुत जने क्या करते हैं इसको हटवा के सिंगल वो ले जाते हैं, लुक में तो अच्छा लगता है पर सेफ्टी वाइज ये ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। जो कंपनी देती है उसको मेन तरीके से वो रखें। साइलेंसर मैं बताना चाहूँगा, साइलेंसर आप ज़्यादा बड़ा ना लगवाएं, क्योंकि अब तो जैसा कि आपको बताया सरकार के यानी कि गवर्नमेंट के हमारे नॉर्म्स आ चुके हैं कि लाउड साइलेंसरों पर चालान कटता है, तो इसके भी काफ़ी चालान कट रहे हैं बाइक के, तो आप बड़े साइलेंसर ना लगवाएं, कोशिश करें कि कंपनी फिटेड। और इसमें थोड़ा सा इंजन ऐसा इस साइलेंसर चलाने पर ऐसा लगता है कि पावर है, जब हम आफ्टर मार्केट साइलेंसर लगवा लेते हैं इसमें तो पता नहीं क्यों फ्री फ्री सी लगने लगती है। अब और इसकी हम बात करते हैं तो यहाँ पर मिलता है आपको इसका हाई बीम लो बीम का इंडिकेटर, यहाँ पे इसका डिपर वाला मिलता है, ये इसके इंडिकेटर मिलते हैं यहाँ पर आपको। और यहाँ पे आपको मिलता है इसका हॉर्न, इधर ये आपका किल स्विच का बटन मिलता है। सेल्फ स्टार्ट नहीं है ये, किक स्टार्ट है, इस वजह से आपको कोई भी सेल्फ स्टार्ट का बटन नहीं दिखता। तो अब बात करते हैं इसके सर्विस कॉस्ट की, कि क्या सर्विस कॉस्ट आई हमारे को पहली सर्विस और दूसरी सर्विस में, क्योंकि ये बाइक है 5 से 6 महीने पुरानी, 5 से 6 महीने हुए हैं क्योंकि उस लॉकडाउन के बाद ली थी, लॉकडाउन के बाद ये ज़्यादा चल भी नहीं पाई। ये जहाँ तक चली है ये आपकी चली है 2984 की, 48 किलोमीटर्स। तो इसके अभी तक 2 सर्विस हुई हैं, तो अब उनकी बात करते हैं कि कितनी 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 सर्विस हुई हैं, क्या क्या कॉस्ट आई है उन सर्विस की। तो अभी तक इसकी हमने 2 सर्विस कराई हैं, जिन भैया की बाइक है यानी कि मेरे कज़िन ब्रदर हैं उनकी ये बाइक है, तो उन्होंने अभी तक इसकी 2 सर्विस कराई हैं। तो पहली सर्विस जो कराई थी उन्होंने कराई थी 500 किलोमीटर पे, जिसमें कि आपका उन्होंने चेक करा था पूरी बाइक में कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लूजिंग वूजिंग तो नहीं है कहीं से, इंजन ऑयल चेंज करा था, फिल्टर क्लीन करे थे, ये सब बेसिक जो होते हैं वो क्लीन करे थे। तो उसमें हमारे कॉस्ट आई थी 1100 की, यानी कि 1100 रुपये का कॉस्ट आया था, क्योंकि 500 किलोमीटर पे इस वजह से कराई थी क्योंकि खड़ी ज़्यादा दिन रह गई थी, यानी कि 45 डेज से ऊपर हो गया था, ये खड़ी रह गई थी, चल नहीं पाई थी। जो कि पहली सर्विस होती है मेरे हिसाब से 1000-1100 किलोमीटर पर होती है। फिर उसके बाद हमने इसकी सर्विस कराई थी 1000 किलोमीटर बाद, जैसे कि कंपनी ने कहा था कि आप अब इसकी सर्विस 1000 किलोमीटर के बाद कराना, जिससे कि अच्छा एवरेज निकल जाए। तो हमने जब इसकी 1000 किलोमीटर यानी कि फिर हमने इसकी कराई थी 1500 किलोमीटर में, यानी कि 1000 किलोमीटर बाद, तो जब हमने इसकी सर्विस कराई थी 1500 किलोमीटर पे, जब भी इसमें खर्चा आया था 1100 रुपये का, उन्होंने इंजन ऑयल चेक करा, लूजिंग चेक करी, इसके फिल्टर साफ़ करे, इसके ऑयल फिल्टर साफ़ करा, और बेसिक सर्विस और बेसिक एनालिसिस करी कि बाइक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ये बस वो हुआ था। और इसका पोल्यूशन चेक हुआ था कि पोल्यूशन तो नहीं दे रही है बाइक। ये अभी तक 2 सर्विस हुई हैं बाइक की, जो कि हम दोनों को टोटल मिलाकर कॉस्ट करी है 2200 रुपये, यानी 2200 रुपये, यानी कि 1100-1100 रुपये की हमारी 2 सर्विस हुई थी इस बाइक की। तो अब मैं बात करता हूँ इसके यानी कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू क्या है बाइक के हिसाब से। तो बाइक काफ़ी अच्छी है अपने बजट के हिसाब से, यानी कि काफ़ी, अब तो बजट नहीं, अब तो काफ़ी महंगी हो गई है, अब इसके प्राइस बढ़ गए हैं, 10 to 15,000 रुपये इंक्रीज़ हो गई है। अब इसकी जो ES यानी कि सेल्फ स्टार्ट वाली आती है उसकी प्राइस है 1,77,000 रुपये, और जो बिना सेल्फ स्टार्ट के आती है ABS वाली उसका शायद प्राइस है 168 या 169 की वो पड़ती है, ऑन रोड प्राइस नहीं है ये, एक्स शोरूम प्राइस है।
तो बाइक में हाँ थोड़े बहुत वाइब्रेशन से तो हैं, पर स्पीड अच्छी है, पिकअप अच्छा है और थोटल रिस्पॉन्स अच्छा है बाइक का, यानी कि थोटल देती भागती है। ये जो बाइक है ये आपको लॉन्ग टूर पे ले जा सकते हैं आपको, पर इसमें एक प्रॉब्लम है कि इसका आगे वाला टायर ज़्यादा बड़ा है। पीछे वाला टायर कंपनी को थोड़ा सा और बड़ा कर देना चाहिए, जिससे कि बाइक थोड़ी सी ज़्यादा जम के चलेगी, थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस देगी, ग्रिप अच्छी रहेगी बाइक की रोड पर। और आप इसे काफ़ी दूर दूर, बहुत बंदे हैं जो इसे काफ़ी दूर दूर तक भी लेके गए हैं, और वाइब्रेशन तो है बाइक में, ऐसी बात नहीं है कि वाइब्रेशन नहीं आ रहा। अगर जो आप कंबरे फिटेड साइलेंसर भी लगवा लेते हैं तब तो और ज़्यादा वाइब्रेशन क्रिएट होने लग जाएगी इसमें। वाइब्रेशन तो है कि ये कुछ ओल्ड स्कूल टाइप बाइक है, आपको गेड़ी वेड़ी मारने जाना हो, यानी कि आपको दिन में 40-50 किलोमीटर चलानी है, अच्छी लुक वाली बाइक चाहिए। एवरेज एवरेज इसका में एवरेज ये देती है हमारी 35-40 का एवरेज ये आराम से दे रही है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। पर जब आप इसको खींच के चलाते हैं तो वो तो अपने आप ही एवरेज डाउन होने लग जाता है इसका। हाईवे पे ज़्यादा एवरेज देती है, लोकल में कम एवरेज देती है, क्योंकि ब्रेक लगते रहते हैं, एक्सेलेटर का भी देना छोड़ना, तो उसके लिए वजह से। और काफ़ी यानी कि आप कह सकते हैं जो बंदे ओल्ड स्कूल होते हैं, ओल्ड स्कूल लवर होते हैं, उनको काफ़ी बाइक पसंद आएगी। बहुत बाइक भी सोल्ड भी हुई है, काफ़ी बाइक सोल्ड भी हुई है। इसका कंपैरिजन तो मेरे हिसाब से किसी से करना ठीक भी नहीं है। काफ़ी अलग ही यानी कि काफ़ी यूनिक बाइक है, अच्छी बाइक है, लुक अच्छा है, सीट कंफर्ट अच्छा है, काफ़ी लेदराइज सीट मिलती है, बफी सीट मिलती है, तो आप आराम से ही चला सकते हैं। आप अगर अगर जो जो इसमें 2-3 मोड और गला देते हैं तो काफ़ी अच्छी लुक आती है। अब अब तो इसके काफ़ी काफ़ी एसेसरीज भी मार्केट में आ चुके हैं, जैसे कि इसके अलॉय हो गए, हेडलाइट्स हो गई, साइलेंसर हो गए। साइलेंसर मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप चेंज कराएं, ये ठीक है, इतनी ज़्यादा आवाज़ भी वो अच्छी नहीं लगती है, फिर दूसरों को परेशानी होती है, हमें परेशानी होती है, लंबे लेके जा रहे हैं तो कान में दर्द होता है, वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। आप इसकी टेल लाइट चेंज करा सकते हैं, इंडिकेटर चेंज करा सकते हैं, बहुत सारे वो हैं कि आप बाहर से चेंज करा सकते हैं कंपनी से। तो चलिए अब इसके ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात कर देते हैं, मैं आपको चला के दिखाता हूँ कि चलने में कैसे और क्या है। तो अब इसके ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करते हैं, तो थोड़ा सा यानी कि कॉलोनी में ही शूट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको चला के दिखाते हैं आपको कैसे है। तो मेरा इस बाइक के बारे में उसकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट किक में स्टार्ट हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, पर जब ठंडी होती है जब दिक्कत करती है। तो पहले क्लिच दबाएं, फर्स्ट गियर डाला और चलते हैं धीरे धीरे। हेलमेट मैंने इस वजह से नहीं पहन रखा है क्योंकि कॉलोनी में घूम रहे हैं और ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो धीरे से प्रॉपर पहन रखा है, वरना आप सब हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो सेकंड गियर में है, काफ़ी अच्छी चलती है, गियर भी शिफ्ट करते हैं, छोटा रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है। ये मैंने गियर शिफ्ट करा और एकदम उठ के भगती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बेहतरीन बाइक है। वाइड भी बहुत है, काफ़ी दूर तक वाइड भी है, काफ़ी चौड़ी भी है, आपको ग्रिप भी आपको टैंक पे अच्छी मिल जाती है, इधर उधर भागने का कोई दिक्कत नहीं रहती है, आराम से आप कर सकते हैं। आगे देखते हैं, समाप्त करते हैं। मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको रिव्यू कैसा लगा और बाइक कैसी लगी। काफ़ी अच्छी बाइक है, डिसेंट बाइक है, परचेज़ कर सकते हैं आप, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्विस में भी ज़्यादा कोई कॉस्ट वोस्ट आती नहीं है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मेरा चैनल अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें बिना मत जाएं, और मास्क पहने, सैनिटाइजर का यूज़ करें क्योंकि कोरोना दोबारा से आ रहा है। तो थैंक यू एवरीवन।